यदा विनीयतं चित्तं आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। भगवद्गीता के छठे अध्याय के 18वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे आज। और पिछले श्लोक में तो भगवान बता रहे थे कि किस तरह का व्यक्ति योग में सफलता प्राप्त कर सकता है, और आज वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो योग कर रहा है उसको किस तरह से पता चलेगा कि वो योग में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, या एक डिवोटी की लैंग्वेज में जिस एक जो फैक्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके उत्तर में भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। और ये श्लोक क्या है कि यदा विनीयतम चित्तम, कि जब विनीयतम चित्तम, कि जब हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा, जब हमें पता चल जाएगा कि मंगला आरती की इम्पोर्टेंस क्या है, हम मंगला आरती कभी मिस नहीं करेंगे और पूरे उत्साह के साथ उसको अटेंड करेंगे, आत्मनेव अवतिष्ठते, और जब मन भगवान में लग जाएगा, आत्मनेव भगवान में लग जाएगा, भगवान में लग जाएगा अर्थात जब मन चैंटिंग में लगना शुरू हो जाएगा, और निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो, और जब संसार में कुछ करने की इच्छा या कुछ प्राप्त करने की इच्छा धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, या दूसरे शब्दों में इच्छाएं तो हैं, इच्छाएं तो रहेंगी, क्योंकि कोई बिना इच्छा के हो ही नहीं सकता, कोई जड़ वस्तु थोड़े ना हम, लेकिन उन इच्छाओं को एंटरटेन नहीं करेगा, वो छुएगा नहीं। स्पृह, स्पृह का अर्थ होता है छूना, निःस्पृह का अर्थ होता है नहीं छूना। इच्छाएं तो हैं लेकिन वो उनको टच नहीं करेगा। पता है जैसे ही टच करेगा वो, जैसे कुत्ते को अगर हाथ लगाओ तो एकदम से काटता वो, उसी तरह से वो इच्छाओं रूपी कुत्ते को अगर हाथ लगाएगा तो वो काटेंगे और उसको इस संसार में भाग के ले जाएंगे। युक्त इत्युच्यते तदा, ऐसा व्यक्ति ही योग में सुस्थिर कहलाता है, मतलब ऐसा व्यक्ति ही समझा जाएगा कि वो भगवान से जुड़ा हुआ है, वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है, जिसमें ये लक्षण है तीन। या दूसरे शब्दों में रामानुजाचार्य लिख रहे हैं कि यदा विनियतम चित्तम, कि जब लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि आत्मनैव अवतिष्ठते, क्योंकि मन गोल में स्थित हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे गोल क्लियर होगा वैसे वैसे व्यक्ति डिसिप्लिन हो जाएगा, अपने आप ही डिसिप्लिन आ जाएगा, जैसे उसका गोल क्लियर होता रहेगा वो अपने आप ही ट्रैक पे आ जाएगा, फिर उसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि लाइफ को डिसिप्लिन बनाओ, बी डिसिप्लिन, फिर कोई उसको कहने की ज़रूरत नहीं है उसका। जैसे जैसे गोल क्लियर होगा, जैसे जैसे वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम सुनते सुनते चीज़ें उसको क्लियर होंगी, लाइफ में झटके मिलेंगे कई सारे, माया के थप्पड़ मिलेंगे, अपने आप उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा, अपने आप ही उसकी लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगी। आत्मनेव अवतिष्ठते, जब उसको सब समझ आ जाएगा कि देखी सुनी लागे भय, कि संसार बहुत खतरनाक है, तो फिर वो अपने आप ही डिसिप्लिन होके भक्ति करेगा फिर। और श्री प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। कहने का अर्थ ये है, श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य में तीन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, एक तो योगी की, एक साधारण व्यक्ति की, और एक डिवोटी की। मतलब जो साधारण व्यक्ति है उसकी कंपैरिजन में योगी करोड़ों गुना ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी सेक्स के ऊपर कंट्रोल पा चुका है काफ़ी हद तक, लेकिन जिस तरह से उसने कंट्रोल पाया है उल्टा सीधा लटक के, वो ही डिवोटी के लिए वो बहुत आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? तो श्री प्रभुपाद भागवतम का श्लोक कोट कर रहे हैं, बहुत फेमस 9वें स्कंद के 4वें अध्याय का 18वें से 20वें श्लोक, अम्बरीश महाराज की चर्चा करते हुए कि सवाई मनः कृष्ण पदारविंदयोर। कहने का अर्थ ये है कि हमें जिस तरह से राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान के चरण को में लगाया हुआ था, अपनी नासिका भगवान के पुष्प सूंघने में, अपने पैरों से भगवान के मंदिर में जाने को यूज़ करते थे, और हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे, और भगवान के भक्तों का स्पर्श करते थे, तो उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ था। इसीलिए श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य अवस्था, जो कृष्ण कॉन्शियस जो हायर जो स्टेज है, अनिर्वचनीय हो सकती है। वो कह रहे हैं नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं जो वैष्णव है, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। जैसे वो श्लोक है जो शंकराचार्य ने बोला, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो अब ये जो श्लोक है, अब हम कहते हैं शंकराचार्य ने क्लियर बोला है गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, ये मूढ़मती हो, लेकिन वो कहते हैं कि ये वैष्णव के लिए कहा है। हमारे जो शंकराचार्य हैं मायावादी कहते हैं उन्होंने ही आप लोगों के लिए कहा है, क्योंकि आप मूढ़मती हो,
इसलिए एटलीस्ट गोविंद का ही भजन कर लो, तुम्हारा इसी से कुछ थोड़ा बहुत हो जाएगा। थोड़ा सा, थोड़ी सी भावना ले आओ गोविंद के लिए और अपनी राम राम करते रहो, हरे कृष्णा करते रहो, उससे कुछ थोड़ा तो कल्याण हो जाएगा। वो इसको इंटरप्रेट अपने हिसाब से करते हैं। हम कहते हैं कि इनको नहीं, ये मूड मती है, वो कहते हैं हम मूड मती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो डिवोटी जो करते हैं सभी मनः कृष्ण पदारविंदे, और ये सब बच्चों के लिए चीज़ें हैं, क्योंकि ये घर बार नहीं छोड़ सकते, जंगल नहीं जा सकते। ज्ञान योग, ध्यान योग करने के लिए तो घर बार छोड़ना होता और बिल्कुल ब्रह्मचारी रहना पड़ता है। ये सब कुछ नहीं कर सकते अब तो। फिर ये शादी तो करेंगे, गृहस्थ भी रहेंगे, सब कुछ होगा। तो इनके लिए ये श्लोक है, ये इसलिए अपना किसी तरह से कुछ ना कुछ भगवान के लिए कर लें अपने शरीर से, तो इनका कुछ हो जाएगा, अदरवाइज ये तो नरक जाएंगे। ये तो मायावादी जो इस तरह से सोचते हैं।